गाइस। जैसे कि आपको पता है सर्दी का मौसम है और रात का टाइम है, तो हमने सोचा कि चलो मछली खाने जाते हैं। तो मैंने और कहा अपनी थोड़ी ठंड कम की जाए। तो आपको पता है सर्दी में मछली तो ज़्यादा ज़रूरी होती है स्किन के लिए भी, ठीक है। तो जहीम भाई ने मुझे कहा कि चलो चलते हैं, तो देखते हैं कोई फिट सी जगह, रास्ते में डिसाइड करते हैं। तो वहीं से आगे फिर आपको मछली का भी बताएंगे कि कैसे वहाँ पे मिल रही है, तो आप लोग भी फिर वहीं से जाके लेना। तो आप लोग बताएं आप लोग की सर्दी कैसे जा रही है। मोमेंट्स लेटर तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया हम फिश लेने जा रहे हैं, तो आपको ये इधर आ गए, हम इसरार चौक आ गए रहीम भाई के साथ। तो अभी हम आपको मछली लेने दिखाते, तब तक हमने कहा आपको थोड़ा सा इसरार चौक का थोड़ा सा रिव्यू दे दें। तो ये सारी शॉप्स आ रहे हैं, ये सामने आप फिश का आइटम देख रहे हैं बने। ये बिल्कुल सामने वो फिश वाले हैं, ठीक है। ये सारी इधर फार्मेसीज आ रहे हैं, इधर सब कुछ है, तो इधर बैंक भी है आपके पास, इधर खाने पीने की भी चीजें हैं, जैसे गोलगप्पे वाला है, उसके बाद पिशावरी टिक्का है, उसके बाद ये मिस्टर कुक है, जलेबी वाला है, वो पुलाव वाला है, ये बेकरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल सामने जो है वो जान है, ये एक होटल है। इधर इस टाइम पे लाइट गई हुई है सारे एरिया में। तो ये सामने पुलाव वाला एक, ये सामने टिक्का रोटी, ये सारा कुछ सर्दी इंजॉय कर रहे हैं ये हमारे उमेर भाई, ठीक है। नहीं आज भाई बहुत ठंड है, ठीक है, जिस रियासत शहर है कि सब बहुत मिलकर फिश खाएं। हाँ, तो हमारा सीन का नाम, हमने कहा चले थोड़ा सा फिश इंजॉय करते हैं। तो ये हम फिश वाले के पास जा रहे हैं, ये असल में मजे की पिच बनाता है, इसलिए लेने आ गए हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं, फिर आपको साथ साथ बताते हैं, ठीक है। ये मछली है, ठीक है, ये हमारे भाई हैं। भैया किस तरह किलो है? 800 रुपए किलो है, 900 है, 700 है, 1200 है। भाई साहब इनके रेट बता देना साथ। इनमें अगर आप बताए ना कौन सी कितने की है, आपको कौन सी चाहिए? जिसमें कांटा कम हो, मतलब बड़ा कांटा और कम हो। बड़े कांटे वाली ये 900 रुपए किलो है, 900 रुपए, 1200 रुपए किलो है। ये छोटे कांटे वाली ये फिर बिल्कुल बोनलेस 2200 रुपए की। ठीक हो गया, हमारे पास चप्पल कबाब भी है, इनके पास चप्पल कबाब भी है, मछली भी है, तो सजी भी है इनके पास, देख लें सारा सिस्टम में। तो आप इसका करे ना कि वो जो 900 रुपए किलो वाली है वो कर दें, ये ऐसा करे कि 2 किलो कर दें, 200 वाली 2 किलो कर दें जी। ये पीस है गाइस, इस पहले भी मछली बन रही है, किसी के लिए किसी ने ऑर्डर दिया हुआ था, आप देख सकते हैं कितने मजे की मछली है। ये लंबी रुमाली रोटी भी लगाते हैं, ये देखे भाई लगा रहे हैं, भाई का स्टाइल चेक कर सकते हैं आप, ये देखें रोटी लगा दी है, मछली साफ करें, ठीक है। वो हमारी मछली जो है वो काट रहे हैं, वो थोड़ा महंगा है, लेकिन ये इनके मसाले वसाले हैं, वो वाला टीम वाला पड़ा, इनके मसाले पड़े हैं स्पेशल, मछली को मसाला लगा रहे हैं। Few minutes later, ठीक है। 6.5 hours later, ये इनके मसाले पड़े हैं सारे। 3 days later, रख के रेडी है। वैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखें ये डाल रहे हैं मछली फ्राई होने के लिए, ये मछली फ्राई हो रही है। तो भाई यहाँ पे मछली बन रही है, ठीक है। तो तब तक हम आपको सजी दिखाते हैं, ठीक है। तो भाई हम आपको सजी का थोड़ा सा व्यू देते हैं। ये भाई हमारे जो है सजी बना रहे हैं, ठीक है। ये भाई हैं, ये इनकी शॉप है। भाई आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम अमशेद है भाई। हफीज भाई के पास आपने आना है, ठीक है, अगर आपका सजी खाने को मूड हो, ठीक है। हफीज भाई ये सजी का क्या रेट है? 700 की है, 800 की है, 900 की है। अच्छा, मुख्तलिफ रेट्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप आके ले सकते हैं। इनकी सजी भी बड़े मजे की है, ठीक है। इनके पास जगह भी बनी हुई है बैठने की,
और फैमिली के लिए भी जगह है, फैमिली के लिए भी जगह है, फैमिली के लिए भी जगह है, तो आप अपनी फैमिली के साथ इनके पास आ सकते हैं। तो इनके हाथ की आप सब्जी ट्राई करना, ठीक है? तो तब तक हम आपको फिर लेके जाते हैं उधर मछली वालों की तरफ, उनसे जरा टाइमिंग भी पूछते हैं, उनके क्या टाइमिंग है। तो भैया आप लोगों की क्या टाइमिंग है, आप लोग किस टाइम पे बैठते हैं, आप लोगों का क्या? शाम 4 बजे आते हैं, रात 2 बजे। अच्छा, शाम 4 से रात 9 तक। आप लोग के पास फैमिली हॉल भी है जिधर फैमिली आके बैठ सके? अच्छा अच्छा, वो पीछे अभी जगह बन रही है तो उधर आप फैमिली पे ला सकते हैं। तो आप देखिए हमारी पे जो है वो तैयार हो रही है मछली, आप लोगों का जिस टाइम पे भी दिल करे आप आ सकते हैं। सर्दियों का सीजन है, यही सीजन होता है फिश ट्राई करने का, आप आगे ट्राई करें और हमें फिर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगे। रेडी हो रही है फिश हमारी। 2000 years later, तो ये हमारी मछली जो है वो निकल आई है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और ये मिर्चे भी ऊपर फ्राई हुई हैं। अब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है? तो आए हम आपको फिर टेस्ट करके बताते हैं। हमारी मछली रेडी हो गई है, तब हम आपको टेस्ट करके बताते हैं। मजेदार, बहुत मजे की है, बहुत क्रिस्पी है और मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक और बाइट लेते हैं इसके साथ, चटनी के साथ आपको बताते हैं। जी जुम्बी भाई, आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं, कैसा टेस्ट है बताएं। इधर करना, बहुत मजेदार है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मजेदार, इनकी चटनी भी बहुत मजे की है, मसाले भी बहुत मजे के, और मछली भी बहुत मजे की, और फ्राई भी देखें बहुत अच्छे तरीके से हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये इसको आप देख सकते हैं, अंदर अंदर तक फ्राई हुई है और बहुत ही मजे की और फ्रेश मछली है। तो आप लोग भी इधर आए, टेस्ट करें और हमें बताएं कि आप लोगों को मछली कैसे लगी। हमारे भाई जो हैं वो सब्सक्राइबर भी हैं, तो भाई हमारे लिए कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, मैं इनका चैनल भी देखता हूँ और माशाल्लाह जी बड़ा अच्छा ये कंटेंट जो है ना वो बनाते हैं, और ऐसे ही हमारे लिए स्ट्रॉन्ग करते रहे, रावल पिंडी में खाने पीने की इतनी अच्छी अच्छी जगह है। ये आप लोगों का प्यार है हम लोगों के साथ, इतना आप लोग हमें सपोर्ट करते हैं, आप लोग प्यार करते हैं, आप लोगों का थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि गाइस ये हमारे पेशावर के सब्सक्राइबर थे, ये हमसे यहाँ पे आके मिले हैं, तो ये पश्तो में ही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँ। तो ये भी बेसिकली पिंडी शिफ्ट हुए हैं, इनका भी यहाँ पे पिंडी में अपना बिजनेस है, ये कपड़े का काम करते हैं। तो ये हमसे मिले, हमें बड़ा अच्छा लगा, तो इन्होंने हमें इन्वाइट किया अपने शॉप पे कि आप हमारे शॉप पे आएँ, हमारा भी व्लॉग बनाएं, हमारी भी उसके बारे में, कपड़ों के बारे में, गारमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताएं। तो इंशाल्लाह हम आपको उनकी गारमेंट्स की शॉप भी विजिट करवाएंगे, उनकी शॉप भी दिखाएंगे। सही शो देर है मेरा बानी लाला, अल्लाह हाफिज़। ठीक है गाइस, हमने मछली भी खा ली, हमें बहुत मजा आया है। तो आप लोगों को कैसा लगा है मछली खा के, आप लोगों को कैसा जी? मुझे बहुत इनका ग्रेट टेस्ट है, बहुत अच्छा, मैं फिश ट्राई करता रहता हूं, तो पर इनका टेस्ट बहुत अच्छा मुझे लगा। मुझे इतना मजा आया कि मैंने अपने घर वालों के लिए भी पैक करवाई है, तो मैं घर भी लेके जाऊंगा, मुझे बहुत मजा आया। तो दही भाई आप क्या कहना चाहते हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है, आपको भी बहुत मजा आया। ये देखे हमने घर के लिए भी पैक करवाई है, तो घर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी अभी हमें दे इजाजत, ठीक है? अपने भाई को बहुत सारा प्यार दें, सपोर्ट करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बहुत शुक्रिया।